बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास ना हो तो हमें हाथ से ही काम चलाना पड़ता है? ना हो रहा नहीं जा, जिसके बगैर हमें हाथ से ही काम चलाना पड़ता है। शादी शादी। ऐसे मुझे बताओ कॉमन सेंस है आप में? चेक कर लें क्या बताओ। लोटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मग्गा। पाकिस्तान जो भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोड़े पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से पाकिस्तानियों का एक और जाहिलों का कॉमेडी वीडियो लेके। आप लोग वीडियो पूरा देखिए और मजा लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। चमची बताइए, शादी होगी आपकी? जी मेरी होगी। अच्छा, एक ही घर में रहती है तीनों? हाँ, एक ही कमरे में हम तीनों। चार एक कमरे में रहते हैं? हाँ जी। एक कमरे में सोते हैं? एक कमरे में सोते हैं। मुझे लगता है कि आपने अलग अलग कमरा दिया होगा। नहीं नहीं, किसी को नहीं, तीनों को एक ही कमरे में। भी एक ही कमरे? एक ही कमरे में। एक एक बार बारी आती है ना, दो जनियों को बांध देता हूँ। फिर हर दिन नहीं, वो भी जरा आपको बता रहा, नींद की गोलियां खिला देता हूँ, नींद की गोलियां। मुझे ये बताओ कि लड़की को जो है वो शादी किस उम्र के लड़के से करनी चाहिए, तुम्हारा क्या प्लान है? मैं कहता हूँ लड़की की उम्र जो वो 24 हो तकरीबन, और लड़की की एज 19 18 इससे ज्यादा नहीं। बड़े तेज हो तुम है वैसे, इतनी छोटी सी लड़की लेकर आ रहे हो। ऐसे ही होता ना, आप 25 साल की लड़की लें वो तो 5 सालों में खत्म हो जाएगी। अभी 19 साल की लड़की को ले आओ, छोटी सी लगेगी तुम्हारे सामने, बड़े लगोगे उससे। ये तो बिल्कुल भी झूठ है, 19 साल की लड़कियां आजकल पता नहीं क्या क्या कर जाती हैं। ये भाई कह रहे हैं कि हर ताकत के लिहाज से हर चीज में पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? इसे ये नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है, जब ही हमारा पासपोर्ट जो है ना ब्लॉक हो गया सारी दुनिया के लिए, इसी वजह से कि ये जाके वहाँ पे गन डालते हैं पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे मुल्कों में। पास मिसाइल ऐसे हैं जैसे इंडिया के पास ऐसे मिसाइल नहीं है। कौन से मिसाइल हैं? गौरी मिसाइल है और काफी शहीन। पता है इंडिया आए दिन, अब इस हफ्ते के अंदर उसने 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं। इंडिया तो आए दिन मिसाइल, इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं है, जो हमारे पास मिसाइल है वो कामयाब मिसाइल है। अच्छा, इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम उसका इतना मुकाबला डट कर करेंगे, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मिसाइल हैं। सब बस बेटा, बहुत बढ़िया। यही नहीं, अभी और सुनिए, रिक्शे को बाइक भी कहते हैं 3 टायर होते हैं आप। अच्छा, और क्या कह सकते हैं इस रिश्के को? प्लेन भी कह सकते हैं आप। भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मैं याद कर दिया करो यार, वीडियो अच्छी लगा करो। अगर इसके पर लग जाए उड़ेगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर लग जाए, फिलहाल आपके 3 टायरों वाली बाइक उड़ नहीं सकती है। वैसे तो ये हमारे लिए उड़ता ही है, जब हम इसे चलाते हैं ना तो हमें ये बताता है कि मुझे उड़ाओ। अबे साले, ओ भाई मारो मुझे, मारो ये आपको थोड़ी देर में उड़ाएंगे, इस वजह से है ना हम तरीके। मुझे ये बताया आपने पैदा होकर कौन सा तीर मारा है? ओके, कौन सा तीर मारा? गजब बेइज्जती। फिलहाल तो अभी तक कोई तीर नहीं मारा। रुको जरा, सबर करो। क्यों, कभी दिल भी नहीं किया कि कोई तीर मार दे? नहीं, तक तो सोच रहा हूँ आपको मार दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान इंडिया पे बहुत तकड़ा है। ये इंडिया के लोग देख रहे हैं, उन्हें पता चले हम कैसे तकड़े। देखो भाईजान, हमारे पास सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहला सुपर पावर यही है। इनसे एक सवाल पूछिए, ये स्टूडेंट है ना, ये G20 और G10 ये किन ममालिक की, इसकी क्या वेरिफिकेशन है कि इनके मेंबर कौन हो सकते हैं G10 के और G20? सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दें, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। G20 का नहीं पता, इन्हें पता ही नहीं। चौथी पांचवी का बच्चा अगर न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको पता होगा G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क है, 20 बड़े मईशत, ठीक है, जिसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त, इंडिया जो है सरफहरिस्त है और उसका वो डायरेक्टर है IMF। IMF के जो डोनर्स है वो G20 के ममालिक हैं, ठीक है। पाकिस्तान जो भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोड़े पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है, ठीक है। और G10 ये दुनिया के 10 बड़े सनअती तरक्की याफ्ता मुल्क है, क्या है ये आपके लिए बता रहे हैं ताकि आपकी एजुकेशन में इजाफा हो। यार यहाँ पे ये जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे ना, उनके उस्ताद का जो मियार है ना, वो भी इन्हीं की तरह के ही है, जब ये मियार